योजना लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी, वो है सबसे बड़ी योजना, जिस योजना का आज यहाँ पे कार्यशाला रखी गई है। मोदी सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ करने से पारंपरिक और ग्रामीण कारीगरों के हुनर को नई दिशा और गति मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना से देश के लाखों कारीगर लाभान्वित और कुशल होंगे। यह बात उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पीएम विश्वकर्मा योजना पर आयोजित कार्यशाला के दौरान कही। एक तो सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी 127 योजनाओं को पूरे भारतवर्ष में लाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए पहले लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, हर घर में पानी की योजना दी गई है जल जीवन मिशन के तहत, हर गरीब व्यक्ति को मकान दिया गया है पीएम आवास की योजना के तहत, 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री का राशन दिया जा रहा है, ऐसी कई प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी लाए हैं। और अब जो अभी नई योजना लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी, वो है सबसे बड़ी योजना, जिस योजना का आज यहाँ पे कार्यशाला रखी गई है। इस योजना में हमारे जो बड़े ही लोग हैं, जो हमारे कुम्हार लोग हैं, जो हमारे औजी लोग हैं, जो हमारे कई प्रकार के जो काम करते हैं, लगभग 30 जातियाँ हैं इसमें, और करोड़ों लोग जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। इस योजना की आज यहाँ पे कार्यशाला रखी गई है और योजना में प्रत्येक गांव से लोगों का चयन किया जाएगा, जो बड़े हैं, जो वहाँ पे कुम्हार का काम करते हैं, जो मटके बनाने का काम करते हैं, जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं, ऐसे हर प्रकार के लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री का नारा है कि भाई हमको सबको जो है इस योजना में जोड़ना है। इस योजना में प्रथम चरण में 13,000 करोड़ रुपये का जो है पैसा सैंक्शन किया गया है और प्रथम चरण में 60 लाख से ज़्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और अभी 15,000 रुपये की टूल किट जो है प्रत्येक लाभार्थी को दी जाएगी, उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऋण दिया जाएगा लाभार्थी को, ये जो है 5% पे दिया जाएगा। अभी तक लाभार्थी को या तो 11% पे ऋण मिलता था या 13% पे मिलता था। तो प्रधानमंत्री जी ने जो इस योजना को लाए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 5% का इसमें ऋण दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस योजना का लाभ लाखों हमारे लाभार्थियों को मिलने जा रहा है। और मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हिमाचल में, उन्होंने कहा कि जितने से ज़्यादा लाभार्थी इस योजना से लाभ मिले उनको ज़रूर इसमें टेक ओवर करना है। इसके 3 स्लिप हैं कि पहले व्यक्ति जो है गांव में फॉर्म भरेगा, फिर ये ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक के बाद जिला कमेटी, इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका जो है चेयरमैन रहेगा, फिर स्टेट में जाएगा, स्टेट के बाद फिर भारत सरकार के पोर्टल पे इसको लिखना पड़ेगा। और लाभार्थी जो फॉर्म भरेगा वो ऑनलाइन भी भर सकता है और ऑफलाइन भी भर सकता है। ये जो विश्वकर्मा योजना है, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में एक ऐसी योजना है कि जो गरीब कल्याण योजना से भी बढ़ के योजना है। सर भैया, अगर बात करें, कहा कि गाँव लेवल से जो इसे स्टार्ट किया जाएगा, चयन किस तरह से किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया क्या? देखिए, चयन जो है ओपन विंडो है, कोई भी विश्वकर्मा जो व्यक्ति है वो इसको जो है लाभ ले सकता है, जो इस कैटेगरी में आते हैं। मैंने कहा कि 30 लोग इस कैटेगरी में आते हैं और प्रत्येक गांव में बड़े भी हैं, लोहार भी हैं, कुम्हार भी हैं, दर्जी भी हैं, औजी भी हैं, हर गाँव में। ये हमारी जो परिस्थितियाँ थी पहले की, वो हर गाँव में हैं और हर नगर में हैं। तो कोई भी जो है ओपन विंडो है, इसमें ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकता है। इस योजना में कुल मिलाकर खर्च की अगर बात की जाए तो कितना खर्च हो? मैंने कहा कि प्रथम इस साल जो है
13,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किया जाए।